हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है कि नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कैमरे की मदद से कैसे किसी का जो मोबाइल नंबर होता है उसे स्कैन करके पता कर सकते हैं, उसका जो मालिक है या ऑनर है या किसके नाम पर रजिस्टर है पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है। यदि मुझसे इसमें कुछ भी गलती होता है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में करके, ताकि मैं अगले वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकूँ। और आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे अगले वीडियो में इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, हम अपने मोबाइल का कैमरा का यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका यूज़ आज तक कभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। सिर्फ हम अपने कैमरे का यूज सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए या कहीं किसी और चीज़ को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। लेकिन यदि आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि कहीं फोल्डिंग टंगा होता है, होल्डिंग टंगा होता है, कहीं बैनर सटा होता है या कहीं पोस्टर सटा होता है, उसके नीचे एक नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। क्या आप जानते हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर का जो ऑनर है कौन है या किसके नाम पर रजिस्टर है, या अपने किसी फ्रेंड का जो नंबर है उसका नंबर चेक कर सकते हैं किसके नाम पर रजिस्टर है या किसके नाम से वो है। तो आज हम देखेंगे कि कहीं भी कोई भी नंबर सटा होता है या बैनर में टंगा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका जो रियल नेम होता है या उसका जो ऑनर होता है कौन है या किसके नाम पर रजिस्टर है, वो रियल है या फेक है या कोई स्कैम तो नहीं चला रहा है, वो आप ए टू जेड चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल का आइकन को दबाइए, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक जय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जाना होगा, यहाँ पर सर्च करना होगा ट्रू कॉलर। तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं तो ट्रू कॉलर का पहले से यूज कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे पहले से पता है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसमें एक नया अपडेट आया है, जो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। यदि पहले से यूज करें तो आप इसे अपडेट कर लीजिए, नहीं यूज करें तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो लोग पहली बार इसका यूज कर रहे हैं उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए और आपका नाम, प्रोफाइल पिक्चर, ईमेल आईडी डालना होगा, डाल दीजिए। वहाँ पर एक यूनाइटेड स्टेट से एक मिस कॉल आएगा, इससे वेरीफाई किया जाता है कि आपका नंबर है या किसी और का। वेरीफाई होते ही आप अपने ट्रू कॉलर में लॉग इन जाएंगे। ऊपर में देखेंगे दोस्तों कि आपको 3 अंडरलाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे फर्स्ट में इनेबल योर कैमरा, ठीक है, तो इनेबल कीजिए कैमरे को। इनेबल जैसे करेंगे आपके सामने कैमरा आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे कि जिस भी नंबर को आप सर्च करेंगे यहाँ पर या स्कैन करेंगे, उसका नाम, बायोडाटा आपको सामने चला जाएगा। आप चाहें तो उस पर कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं या पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रू कॉलर में एक ऐड हो गया है, आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं यूपीआई थ्रू। तो आप किसी भी नंबर भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डेमो मोड करके दिखाता हूँ। मैं अपना फेस कैम बंद करता हूँ और आपको डेमो मोड दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है और आप किसी का भी नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्कैन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे नंबर यहाँ पर ले जाऊँगा मैं, देखिए दिखाएगा गैस, और यहाँ पर देख सकते हैं कि गैस का जो नंबर है आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है। यहाँ पर गैस का नंबर एक ऐड दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर पुष्पा अचार लिखा हुआ, इसी के नंबर को मैं नीचे सर्च करूँगा, ठीक है। तो चलिए सर्च करते हैं इसके नंबर को, देखा पर नंबर एक दिया हुआ है। चलिए इसे नंबर को जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 700 दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे, दिखा दिया पुष्पा मसाले। इस तरह से आप किसी के भी नंबर को सर्च करके बता सकते हैं किसका नंबर है, किसके नाम से रजिस्टर है और पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे कुछ भी इस वीडियो में गलती हुआ तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक देख कर इसे इम्प्रूव करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।